नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में बांका सीट की, कि बांका से 2019 में कौन बनेगा सांसद। बांका बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार बांका संसदीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या 20,34,763 है। इसका प्रशासनिक प्रभाग भागलपुर मंडल में आता है। बिहार की बांका लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। यहां से इस बार 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पिछले बार इस सीट से आरजेडी प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव सांसद बने। इस बार बिहार की बांका लोकसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के टिकट से गिरधारी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से जयप्रकाश नारायण यादव प्रत्याशी हैं। वहीं पुतुल कुमारी भी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बांका लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पुतुल कुमारी के चुनाव मैदान में आ जाने से यहां का त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। जदयू के गिरधारी यादव और निर्दलीय पुतुल कुमारी दोनों नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग में भाजपा से बे टिकट हुई पुतुल कुमारी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया। वह भाजपा की ओर से प्रबल दावेदार थी, लेकिन यह सीट जदयू के खाते में चली गई। बांका लोकसभा सीट पुतुल कुमारी के पति पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह का क्षेत्र रहा था। उनके चुनाव प्रचार की कमान उनकी बेटी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्रेयसी सिंह संभाल रही है। पुतुल कुमारी ने कहा कि हमारे साथ बांका लोकसभा क्षेत्र की जनता है। पिछले 9 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हूँ। बांका के विकास के लिए हमेशा जनता के साथ रही हूँ। पुतुल देवी के पति स्वर्गीय दिग्विजय सिंह वे अटल बिहारी के नेतृत्व वाली केंद्र में राजक सरकार में विदेश एवं रेल राज्य मंत्री भी रहे थे। उन्होंने बांका लोकसभा का 3 बार प्रतिनिधित्व किया था। 2009 में जब जेडीयू ने उन्हें बांका से टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय मैदान में कूद पड़े। उन्होंने चुनाव भी जीता, हालांकि इसके कुछ दिन बाद ही उनका निधन हो गया। पुनः 2010 में बांका में हुए लोकसभा उपचुनाव में उनकी पत्नी पुतुल कुमारी जीती निर्दलीय। बांका लोकसभा सीट से 2014 के चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव को जीत मिली थी। उन्होंने 2,85,150 वोट हासिल किए थे और करीबी प्रत्याशी पुतुल कुमारी को हराया। पुतुल कुमारी ने यह चुनाव तो निर्दलीय लड़ा था, लेकिन बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इस चुनाव में पुतुल कुमारी को 2,75,006 वोट प्राप्त हुए थे। अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रकाश नारायण यादव को 31.71% और पुतुल कुमारी को 30.58% वोट मिले थे। पुतुल कुमारी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की धर्मपत्नी है। इस चुनाव में 9,753 लोगों ने नोटा को वोट दिया था। बांका संसदीय क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें सुल्तानगंज, अमरपुर, धोरैया, बांका, कटोरिया और बेलहर विधानसभा सीट आती है। धोरैया विधानसभा सीट अनुसूचित जाति SC और कटोरिया विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति ST के लिए सुरक्षित है। वर्ष 2009 में नए परिसीमन में सुल्तानगंज बांका लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बना। बांका लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर वर्तमान समय में जदयू का कब्जा है, वहीं एक एक सीट बीजेपी और राजद के पास है। अब 2019 के चुनाव में यहाँ से कौन जीतेगा और कौन बनेगा सांसद, ये देखने वाली बात है, क्योंकि मुकाबला 3 कोणीय है। पुतुल देवी का भी कहना है कि वो यहाँ से, उनके पति भी बहुत कुछ काम किए हैं इस क्षेत्र के लिए। वहीं जयप्रकाश नारायण यादव पिछले बार उनको चुनाव में पराजित भी किए थे और जेडीयू प्रत्याशी हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि दो लोग, जेडीयू प्रत्याशी और पुतुल देवी, दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही यहाँ से वोट मांग रहे हैं। अब जनता किसके साथ जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।